नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स वाई पी के वार्षने। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इनकम टैक्स को खत्म कर देना चाहिए, शुड इनकम टैक्स एबोलिश। हमारी इकोनॉमी अब भी नकदी पर बहुत अधिक डिपेंडेंट है, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़े ट्रांजेक्शन हों या रिटेलर या होलसेलर से जुड़े ट्रांजेक्शन हों, सभी के सभी कैश पर डिपेंडेंट रहते हैं, सभी कैश एक्सेप्ट करते हैं, और यह सब होता है टैक्स की चोरी के लिए। टैक्स चोरी रोकने के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, साथ में जीएसटी को भी सरल बनाना चाहिए, और साथ में इनकम टैक्स को खत्म कर देना चाहिए। हमारे देश में इनकम टैक्स का सिस्टम ही ऐसा है कि उससे इनकम टैक्स का पर्पज ही पूरा नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट डाटा के अनुसार केवल 6.2% आबादी ही टैक्स देती है, इनकम टैक्स देती है। आजादी के 75 साल के बाद में ही भी गवर्नमेंट के इतने एफर्ट्स के बाद, सारे एफर्ट्स के बाद भी निकट भविष्य में भी यह आंकड़ा जो है डबल डिजिट में जाता दिखाई नहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लेटेस्ट डाटा के अनुसार केवल 8 करोड़ लोग ही ITR भरते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि केवल 6.2% ही लोग जो है आबादी टैक्स क्यों दे, बाकी आबादी क्यों नहीं देती है? यदि गवर्नमेंट इन सबसे टैक्स लेने में असमर्थ रहती है तो क्यों नहीं इसे खत्म कर देना चाहिए? अधिकांश भारतीय इनकम टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का रिवार्ड बहुत कम उन्हें मिलता है, और बहुत ही कम टैक्स पेयर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, और हालांकि ये सारी चीज़ें उनके पैसे से, ये यानी उनके दिए टैक्स से ही चलती हैं। इसकी बजाय टैक्स पेयर इंडियंस अपने ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ का सहारा लेते हैं, बाहर जाने के लिए अपनी निजी गाड़ियां यूज़ करते हैं, ऑफिस फैक्ट्री घर वगैरह की सेफ्टी के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्राइवेट एजेंसियों को पैसे देते हैं, पानी पर खर्च करने के लिए इनकम टैक्स देने वाले भी हैं, और जो इनकम टैक्स नहीं देता है वो भी हैं, एयर प्योरीफाई का भी पेमेंट करते हैं जिससे कि हम खुली हवा में सांस ले सकें, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के लिए भी पेमेंट करते हैं। तो आपने देखा कि हमारे सिस्टम में कितने पेच हैं। पहले तो टैक्स पेयर जो है पैसे देते हैं ताकि गवर्नमेंट रिसोर्सेज का जो है चल सके, और इसके बाद में वो प्राइवेट सेक्टर को पेमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि गवर्नमेंट फैसिलिटी की जो कमियां हैं उन्हें पूरा किया जा सके। गवर्नमेंट फैसिलिटी की कमी क्यों है? क्योंकि केवल 6.2% आबादी ही टैक्स देती है, बाकी आबादी टैक्स नहीं देती है। और यह एक विडंबना ही है कि एक एवरेज मिडिल इनकम सैलरीड भारतीय जो है वही टैक्स का भुगतान करता है, और लेकिन एक मिलियनर फार्मर वो टैक्स का भुगतान नहीं करता है। और तो और यदि टैक्स देने में देरी हुई एवरेज मिडिल पर्सन को, तो डिपार्टमेंट जो है उसे पेनल्टी लगा देता है। बहुत से लोगों का तर्क है कि यदि हम इनकम टैक्स नहीं लगेंगे तो सरकार के पास में रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो इसके जवाब में कहना है कि बेशक इस कदम से थोड़े वक्त के लिए रेवेन्यू में झटका लगेगा, केवल 6.2% कि लोगों के इनकम टैक्स रेवेन्यू से ही देश नहीं चलता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, जीएसटी भी है। आज के माहौल में गवर्नमेंट के दूसरे सोर्सेज से, यानी जैसे कोयला है और एयरवेव्स की बिक्री से भी गवर्नमेंट रेट बढ़ा सकती है। अब ये इसकी क्षतिपूर्ति इनकम टैक्स की जो है वो कर सकती है। अब किस सोर्स से गवर्नमेंट को ये क्षतिपूर्ति करनी है वो गवर्नमेंट को सोचना है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी को बेहतर बनाना है। आज की डेट में जीएसटी कलेक्शन बहुत ही अच्छा हो रहा है, और गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो अधिकतर एक्सपेंडिचर्स और डेवलपमेंट वर्क वो सारे के सारे जीएसटी कलेक्शन से ही हो रहे हैं। तो हमको यह भी सोचना है कि जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स, ये लगना जो है 150 साल पहले या 160 साल पहले से ही लगना शुरू हुआ है। इससे पहले जब टैक्स नहीं लगता था तब भी अर्थव्यवस्थाएं चलती थी, तब भी शासन चलते थे, तो आज क्यों नहीं? जब इनकम टैक्स नहीं लगेगा या हट जाएगा तो इसके भी
कुछ फायदे होंगे और हम और ज्यादा इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जहां टैक्स नहीं लगता है या कम लगता है वहां इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और साथ के साथ में हर साल जो मिलियनर भारतीय हैं वो टैक्स की वजह से जो देश छोड़ रहे हैं उनका देश छोड़ना रुक जाएगा और वो देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो देश हित में इनकम टैक्स का एबोलिश होना चाहिए। आइए हम सभी इस मुहिम में एक साथ आगे बढ़ें।